हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में प्रखर दो ब्रिज कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के लिए जो आपकी कार्यपुस्तक है इससे सॉल्व करेंगे। देखिए, इससे पहले वाली वीडियोस में हम कार्यपुस्तक नंबर 1 से लेकर तो कार्यपुस्तक नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं। साथ ही साथ जो आपका बेसलाइन असेसमेंट दिया गया है वह भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एंड इस वीडियो में कार्यपुस्तक नंबर 21 से लेकर तो कार्यपत्रक 25 तक सॉल्व करेंगे। एंड अगर आप कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर 20 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, उन लिंक पर क्लिक कर आप वह वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड ये जो PDFs हैं वह भी अवेलेबल करा दी जाती हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। देखिए, ये प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट दिया गया था, यह भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप यह देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने जो प्लेलिस्ट होती है उसकी लिंक दी है, आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी एंड आप आवश्यकता अनुसार जो भी वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अब देखिए, कार्यपत्रक नंबर 21 आ जाता है। देखिए, इसे सॉल्व करें इससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपकी क्लास 8 की फुल तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, एकदम फ्री है, आपका एक पैसे भी नहीं लगना। और इस चैनल के माध्यम से आपको आपकी वर्कबुक के सॉल्यूशन से लेकर IMP क्वेश्चन एंड साथ ही साथ आपके मॉडल पेपर और पेपर्स भी आपको इसी चैनल पर अवेलेबल कराए जाते हैं, इसलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन प्रेस कर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। दी गई वर्ग पहेली में संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाकर लिखिए। अब देखिए, एक वर्ग पहेली दी है, पहले आप ये देख लीजिएगा। एंड देखिए, मैंने ब्लैक कलर से किया है, कुछ इस प्रकार से आपको बनाने हैं। क्या बनाओगे? यहाँ से मुद्रा आपका बन जाएगा, इधर आपका भाग्य बन जाएगा। मीनिंगफुल वर्ड हमें बनाने होते हैं, ज्ञान ऑलरेडी बना हुआ है, इधर कक्ष बनेगा। यहाँ से आप देख सकते हो, मुख्य, प्रजा, मूर्ख, मंत्री, चित्र, इंग्लैंड, ऐसे करके सभी वर्ड बन जाएंगे। तो पहले तो आप ये जो वर्ग पहेली दी है इसे कर लीजिएगा पेन से, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर में किया है ऐसे ही आप किससे कर लोगे, पेन से। इन पर एक सर्कल बना दीजिएगा, ऐसे जैसे यहाँ बना है ना, देखिए ज्ञान पर बना है ना, इसी प्रकार से सर्कल आप इन सभी चीज़ पर बना लोगे। मुद्रक, इंग्लैंड, भाग्य, कक्ष, मुख्य, इन सभी चीज़ों पर बना लीजिएगा। एंड देखिए, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फर्स्ट वाला जो आपको दिया है ज्ञान तो ऑलरेडी लिखा है, सेकंड खा वाले नंबर में आप लिखोगे मुद्रक, एंड इसके बाद लिखेगा चित्र, नेक्स्ट में इंग्लैंड, इसके बाद आ जाएगा आपका मंत्री। तो ये आपको समझ आया। एंड इधर जो आपको दिया है तो चा वाले में लिखेंगे मूर्ख, इसके बाद भाग्य, कक्ष, मुख्य और प्रजा। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, दी गई वर्ग पहेली में संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाकर लिखिए। तो पहला ज्ञान ऑलरेडी बना है, सेकंड मुद्रक, तीसरा चित्र, चौथा इंग्लैंड, पांचवा मंत्री, छठा मूर्ख, सातवां भाग्य, आठवां कक्ष, नवा मुख्य और दसवां बनाओ की प्रजा। तो ये आपका जो कार्यपत्रक नंबर 21 है इसका जो आपका पहला क्वेश्चन है यह आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखिए, ये दिया है आपको क्वेश्चन 2। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें कुछ अशुद्ध शब्द आपको दिए गए हैं, उन्हें शुद्ध कर लिखना है। तो यहाँ से समझिएगा, देखिए सबसे पहले हम कौन सा ये क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको दिया था प्रसिद्ध, तो इसका सही क्या होगा, प्रसिद्ध। एंड ऐसे ही अब देखिए, पहले घा वाला आप देख लीजिए, यहाँ पर कृष्ण, इसका क्या करोगे सही, कृष्ण। एंड यहाँ दिया है आपको बुद्धू, तो इसे कैसे ठीक करोगे, बुद्धू। ब्लैक कलर में आपको जो वर्ड दिए गए हैं यह शुद्ध नहीं है, इन्हें शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर कृष्ण आएगा और यहाँ आएगा आपका बुद्धू। अब ये वाले कॉलम में आप देखिए, यहाँ क्या लिखा है, समस्या, तो इसका क्या कर लोगे आप, समस्या। सत्तू, इसका क्या करोगे, सत्तू। मंत्री, इसका क्या करोगे, मंत्री। तो ये आपका ठीक हो जाएगा। एंड इसके बाद देखिए, इधर
यहाँ पर लिखा है प्रभावित, तो प्रभावित के सामने क्या लिखोगे? प्रभावित। दिक्कत, इसका क्या लिखोगे? दिक्कत। एंड जिज्ञासा, तो इसका क्या आ जाएगा आपका? जिज्ञासा। देखिए एक एक दो दो वर्ड का मतलब अंतर है, तो आप ठीक से देख कर लिखेगा, नहीं तो कुछ भी गलत हो जाएगा। इसलिए जैसा सेम यहाँ पर लिखा है वैसे ही आप लिखिएगा। ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं बिल्कुल ऐसे ही आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट में हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका आ जाता है, दिए गए शब्दों में का प्रयोग कर शुद्ध शब्द लिखिए। देखिए इसमें रा की रेफ हमें दी गई है, इसका प्रयोग करके शब्दों को शुद्ध करना है। फर्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया था, कपा। कपा को क्या किया? कृपा। देखिए नीचे रा की रेफ लगी है इस वर्ड में, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट शब्द है उन्हें ठीक करना है। यहाँ पर गा और हा, गह दिया है, तो इसे कैसे ठीक करेंगे? ग्रहे, इसमें भी रा की रेफ लगा देंगे। सेम घना का भी आपका हो जाएगा क्या? घृणा। इसके बाद देखिए कसी, कसी का क्या होगा? क्रसी। सब में रा की रेफ लग रही है। यहाँ देख सकते हैं बक्ष, बक्ष का क्या करोगे? वृक्ष। मग, मग का क्या कर लीजिएगा? मृग। एंड इसके बाद अमत, अमत का कर लीजिएगा? अमृत। यहाँ आपको दिया है दड़, इसका क्या करोगे? दृण। एंड यहाँ आप देखिए, अब यहाँ पर आपको दिया है पथ भी, तो इसका हो जाएगा आपका वृत्त भी। नेक्स्ट है कपाण, इसका कर लीजिएगा कृपाण। अब यहाँ देख सकते हैं भगु, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? भ्रागु। एंड एक है आपका कृतज्ञ, तो इसका कर लीजिएगा कृतज्ञ। फर्स्ट से आप देख लीजिए एक बार और, यहाँ पर कृपा करोगे ग्रह, घृणा, कृषि, वृक्ष, मृग, अमृत, दृण, पृथ्वी, कृपाण, भृगु, कृतज्ञ। ये सभी आपके वर्ड ठीक करके यहाँ पर लिखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर आपका आ जाता है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके अर्थ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट क्या है आपका? का वाला यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यालय, मुख्यालय का अर्थ क्या होता है? प्रधान कार्यालय। अब सेकंड देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दुर्गम। दुर्गम का मतलब क्या होता है? जहाँ पहुँचना कठिन हो, तो यह लिख लीजिएगा। एंड एक वर्ड आपको दिया है क्या? विस्तृत। विस्तृत का क्या होता है? विस्तार पूर्वक बताई गई। अब देखिए परीक्षा, परीक्षा आपको दिया है, परीक्षा के सामने क्या लिखोगे? योग्यता को परखना। परीक्षा का मतलब क्या होता है? योग्यता को परखना। गंतव्य आपको दिया है, गंतव्य का मतलब होता है जाने योग्य। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का आपका क्या आ जाएगा? गणमान्य और खास। इसके बाद आपको दिया है यहाँ आप देख सकते हैं ग्रामीण, ग्रामीण का क्या लिख लीजिएगा? गांव में रहने वाला। और अदृश्य, अदृश्य का क्या लिखोगे? जो दिखाई ना पड़े। पर्यटक, पर्यटक का लिखेगा दूसरे देशों में घूमने फिरने वाला। देखिए यहाँ हमने लिखा था प्रधान कार्यालय, जहाँ पहुँचना कठिन हो विस्तार पूर्वक बताई गई, योग्यता को परखना जाने योग, गणमान्य खास, गांव में रहने वाला जो दिखाई ना पड़े, दूसरे देशों में घूमने फिरने वाला पर्यटक। ये क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ से कंप्लीट होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपका है, रेप या रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध कीजिए। रेप या रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध कीजिए। पहला क्या था? गहन, इसका क्या किया? ग्रहण। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? सू और या, सूए, इसका क्या करोगी? सूर्य। एंड प्रतीक्षा का क्या कर दीजिएगा? प्रतीक्षा। अब खा वाला क्वेश्चन आपका है, देखिए क्या दिया है? सत, सत का क्या करोगी? शर्त। गमी का कर लीजिएगा गर्मी, ड्रामा का हो जाएगा ड्रामा। एंड यहाँ आपको दिया है बक, बक का कर लीजिएगा बक्र, बत, बत का होगा आपका व्रत, एंड प्रयास का प्रयास। यह है आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा।
फर्स्ट में ग्रहण, सेकंड में सूर्य, तीसरे में प्रतीक्षा, सर्द गर्मी, ड्रामा एंड वक्र व्रत और प्रयास। तो इस प्रकार से ये जो आपका कार्यपत्रक नंबर 21 है यह कंप्लीट हो जाता। अब हम बढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 22 की ओर। तो यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है आपका कार्यपत्रक नंबर 22। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। दिए गए वर्ण आयत में संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों को ढूंढकर लिखिए। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों को आपको ढूंढकर लिखना है। तो पहले तो आप सेंटेंस मतलब जो वर्ड जो शब्द हैं वह क्या क्या बनेंगे वह देख लीजिए। एक यहाँ पर देख सकते हैं क्या बन रहा है, जवान। तो इस पर ऐसे सर्कल बना लेंगे। एक यहाँ पर यह बन रहा है, इस पर बना लीजिएगा। हरा पर एक सर्कल बना लोगे, केला पर एक सर्कल क्रिएट कर लीजिएगा, एक पूना पर आप कर लीजिएगा। देखिए पूना पर आप कर लोगे एंड एक आपका हो जाएगा तप पर, एक हो जाएगा मन पर। इन सभी पर ऐसे सर्कल बना दीजिएगा। ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक में बने हैं। जवान पर हरा, यह केला, पूना, तब, मन। एंड अब देखिए संज्ञा, संज्ञा वाले के स्थान पर आप क्या लिखोगे, जैसे मीना ऑलरेडी लिखा था, अब यहाँ पर हम लिख देंगे पूना, मन और केला। सर्वनाम में आपका क्या क्या आ जाएगा, सर्वनाम में आएगा यह और तब। एंड विशेषण में क्या आ जाएगा, विशेषण में आपका आएगा लाल, जवान और हरा। देखिए ये क्वेश्चन आपको तब समझ आएगा, खुद से आप जब सॉल्व कर पाओगे तब आपको इनकी डेफिनेशन पता होगी, इनकी परिभाषा आपको पता होगी। संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए संज्ञा की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एंड सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। और विशेषण की क्या होती है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। तो इस प्रकार से आपको समझ आया, अगर आप ये डेफिनेशंस याद करोगे, इनके कुछ उदाहरण देखोगे, तो ये क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर पाओगे। बाकी मैंने यहाँ पर आपको आंसर्स अवेलेबल करा दिए हैं, तो देख लीजिएगा। संज्ञा के भेद ढूंढकर उन पर गोला कीजिए, यह है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, देखिए वैसे तो 5 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, अलग अलग संज्ञाओं के नाम दिए हैं। तो देखिए पुरुषवाचक कोई संज्ञा नहीं होती, गुणवाचक कोई संज्ञा नहीं होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, निजवाचक नहीं होती, संबंधवाचक नहीं होती और भाववाचक संज्ञा ही, संख्यावाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है, परिमाणवाचक संज्ञा नहीं है। तो सिंपल से यहाँ पर 3 संज्ञाएं हैं, उन पर सर्कल क्रिएट कर लीजिएगा, गोला बना लीजिएगा। एक बनाओगे व्यक्तिवाचक पर, सेकंड भाववाचक पर बनाएंगे और एक जातिवाचक पर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा हमें लिखनी है, तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा आप देख लीजिए। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ से लिख लीजिएगा, परिभाषा आपको दी हुई है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों को उचित शब्द छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उचित शब्द हमें छांटकर वाक्य को पूरा करना है। यहाँ देख सकते हैं आपको 2-2 वर्ड दिए गए हैं, 2-2 शब्द दिए गए हैं। एक यहाँ पर दिया है वह और 11। तो अंजू 11 वर्ष की है, वह हमेशा जल्दी उठती है। एंड आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, अजय 23 दौड़ सकता है क्योंकि वह जवान है। अक्षत मेहनती है, अपना काम स्वयं करता है। आप घर जा सकते हैं, रात हो रही है। तो ये सभी भर लीजिएगा। अब देखिए आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर देखिए दिए गए प्रत्यय उपसर्ग से नवीन शब्द बनाइए। यहाँ पर हमें प्रत्यय दिया है और उपसर्ग दिया है, इनका प्रयोग करके एक न्यू वर्ड नया शब्द बनाना है। तो देखिए यहाँ क्या बना है, आ प्लस चल, क्या बना, अचल। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आ प्लस सत्य, क्या बन जाएगा, असत्य।
अ प्लस न्याय अन्याय, अ प्लस साधारण असाधारण। तो ऐसे पट बना लो कि पहला क्या लिखोगे असत्य, सेकेंड अन्याय, तीसरा असाधारण। एंड इधर देखिए समाज प्लस एक सामाजिक, तो लोक प्लस एक क्या होगा लौकिक, विचार प्लस एक क्या होगा वैचारिक, शरीर प्लस एक हो जाएगा शारीरिक। अब है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, पित्त युक्त शब्दों को ढूंढकर गोला कीजिए। ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें कौन कौन से शब्द में प्रत्यय है उन पर आपको गोला क्रिएट करना है, सर्कल क्रिएट करना है, सर्कल बनाना है। तो देखिए वीरता में क्या प्रत्यय है, वीरता में है ता प्रत्यय, इसलिए वीरता पर क्रिएट कर लेंगे। असमान में कोई प्रत्यय नहीं है, जनता में भी ता प्रत्यय है इसलिए ता जनता पर एक गोला बना लीजिएगा। ईमानदार में कोई प्रत्यय नहीं है, उपकार में प्रत्यय नहीं है, उपकार में उपसर्ग जरूर है लेकिन प्रत्यय क्या नहीं है। ऐसे ही पालनहार में हार प्रत्यय है तो पालनहार पर एक गोला बना लीजिएगा। बेकसूर में प्रत्यय नहीं है, सहर्ष में प्रत्यय नहीं है, दौड़ना में ना प्रत्यय है और चमकीला में कीला प्रत्यय है। इसलिए किस किस पर आप सर्कल बनाओगे, एक तो बनाओगे वीरता पर, दूसरा जनता पर, फिर यहाँ पालनहार पर बना लीजिएगा, एक दौड़ना पर और एक चमकीला पर। ये बस क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका पूरा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा, दिए गए शब्दों में उपसर्ग छांटकर लिखिए। उपसर्ग छांटकर आपको लिखना है, एक साइड आपको शब्द दिए गए हैं, सेकंड साइड उपसर्ग आपको दिए गए हैं। अपमान, अपमान में क्या उपसर्ग है अप, कमजोर में क्या उपसर्ग है कम, उपदेश में उपसर्ग है, प्रादेश में प्रा उपसर्ग है, बाकायदा में बा और निर्धन में नी उपसर्ग होगा। तो क्या क्या लिखना है एक बार फिर से देखिए, कम उप प्रा बा और नी, ये वर्ड लिख लीजिएगा। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है यह भी कंप्लीट हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर फोर, दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। प्रत्यय जोड़कर न्यू वर्ड बनाना है। ठंड प्लस आ ठंडा हुआ, चिकना प्लस आहट चिकनाहट वर्ड बन जाएगा, मामा प्लस एरा ममेरा हो जाएगा, धन प्लस वान धनवान हो जाएगा, लिख प्लस आई लिखाई। तो ये शब्द बना लीजिएगा क्या क्या, पहला चिकनाहट लिखोगे फिर ममेरा धनवान और लिखाई। इसके बाद देखिए यहाँ है आपका चमक प्लस ईला चमकीला हो जाएगा, शक्ति प्लस मान शक्तिमान, जयपुर प्लस इया जयपुरिया, सुन प्लस हरा सुनहरा, एंड शक्ति प्लस साली इसमें क्या लिखोगे शक्तिशाली। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कार्यपत्रक नंबर 23 मतलब कार्यपत्रक नंबर 23 भी हम सॉल्व कर चुके हैं, अब स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक नंबर 24। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के स्थान पर हमें लिखना है। यहाँ पर देखिए ऊपर आपको क्या दिए हैं कारक चिन्ह, ने के लिए में पर को से द्वारा से पृथक होना, ऐसे शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ आप लिख लेंगे करण वाले में से द्वारा और से, संप्रदान में क्या लिखोगे के लिए, कर्म में आपको लिखना है को और अपादान में आपको लिखना है पृथक होना। बस यही आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर पहला आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। ये वाक्य आपको दिया है एक, पहले तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। ये जो आपको सेंटेंस दिया है वाक्य दिया है इसे उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर हमें फिर से लिखना है, मतलब लिखना सेम है लेकिन विराम चिन्ह उसमें ऐड करने हैं, विराम चिन्ह लगाने हैं। तो देखिए ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। विराम चिन्हों को खास ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे बहा के बाद में मैंने एक चिन्ह लगाया है, यह आपको लगाना है। बहा आज मदन गीतू और संजू के साथ मुझे जयपुर जाने का मौका मिलेगा,
यहाँ पर पूर्ण विराम लगाओगे। इसलिए अध्यापक जी ने कहा तुम सब तैयार हो जाओ। देखिए हो के बाद में ये जाओ लिख लीजिएगा और सेम यही चिन्ह आपको लगाना है। बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका जाता है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताइए। ये दिया है आपको एक वाक्य, सुना दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। तो देखिए कारक क्या है, इसमें कर्ता कारक है नहीं, कारक चिन्ह क्या होगा नहीं, आपदान कारक, इसमें कारक चिन्ह होगा सी। यहाँ पर संप्रदान कारक लिखेंगे कारक चिन्ह के लिए और कर्म कारक चिन्ह में आ जाएगा को। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, संप्रदान कारक एवं संबंध कारक का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। संप्रदान कारक वाले में बनाओगे रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है, संबंध कारक में बनाएंगे वह राम का बेटा है। अब आ जाता है आकलन पत्रक एक। देखिए जो आपका कार्य पत्रक नंबर 24 है इसके बाद आपको दिया है आकलन पत्रक एक, तो यह हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको दिया है पहले एक गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले क्या गद्यांश को रीड करना होगा, पहले हम पढ़ लेते हैं तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए यह है गद्यांश, मगर कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया, सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर उसके प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई, इतने छोटी कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत उसकी तस्वीर खींच ली, किसी एक नियंत्रक केंद्र ने इस तस्वीर की जाँच की गई और खतरे की सूचना दी गई। गद्यांश में आए विराम चिन्हों के नाम लिखिए, इस गद्यांश में कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं उनका नाम हमें लिखना है। तो एक साइड तो हमें साइन दिए गए हैं, ये देखिए ये है चिन्ह, तो ये वाला जो चिन्ह है किसका है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। सेकेंड अल्प विराम का चिन्ह है, तीसरा पूर्ण विराम का है और चौथा योजक चिन्ह है। तो ये लिख लीजिएगा, पहला प्रश्नवाचक, सेकेंड अल्प विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा योजक चिन्ह, ये आपके हो जाएंगे। इसके बाद देखिए गद्यांश में आए कारक चिन्हों की सूची बनाइए, तो कारक चिन्ह आपके ये हो जाएंगे। इसमें क्या लिखोगे, मैं की मैं का ने की, ये आपके हो जाएंगे कारक चिन्ह। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका आ जाता है, जिस तरह संदेह में आसपास जोड़कर संदेहास्पद बना है उसी तरह से नए शब्द बनाइए, तो प्रेरणा प्लस आस्पद प्रेरणास्पद हो जाएगा, विवाद प्लस आस्पद विवादास्पद, संदेह प्लस आस्पद संदेहास्पद, हास्य प्लस आस्पद हास्यास्पद। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, गद्यांश में आई संख्या एवं सर्वनाम शब्दों की कोई पांच की सूची बनाइए। संख्या और सर्वनाम शब्द आपको लिखने हैं गद्यांश में आए हुए कोई पांच पांच, तो संख्या वाले में लिखेगा मगर, छोटू, हाथ, सुरंग और तस्वीर। इसके बाद सर्वनाम में क्या लिखोगे, मैं, उसके, उसकी, इस, इतने। क्वेश्चन नंबर फाइव आ जाता है, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए आपको नए शब्द बनाने हैं, जैसे एक एक शब्द यहाँ पर बना हुआ है, ट्रा से ट्रक, ता से पत्ति, न्या से न्याय, द्वा से द्वारा। अब यहाँ आप क्या बनाओगे, ट्रॉली, ट्रेन, पत्ता, कुत्ता, न्यायालय, न्यायाधीश, द्वापर, द्वारका, ये शब्द आपके बनाने हैं। अब देखिए इसके बाद आ जाता है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं जो दिया था आकलन पत्रक एक। अब आ जाता है आपका कार्य पत्रक नंबर 25, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो फर्स्ट क्या है, छत के ऊपर मुर्गा बैठा है, यहाँ पर क्या लिखोगे, के ऊपर, नदी के किनारे साधु की कुटिया है, मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। एंड इसके बाद
मुझे सैप की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। अब देखिए, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। आपको यहाँ पर कुछ वाक्य कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन्हें जोड़कर आपको वाक्य बनाना है। तो पहला वाला क्या बनाओगे? साहिल थक गया इसलिए वह सो गया। यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। वह बहुत तेज चलकर जल्दी घर पहुँची। आज बहुत बारिश हो रही है और ओले गिर रहे हैं। तो ये आपके सेंटेंस हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। पहले में लिखेंगे, श्रुति और नेहा पढ़ रही है। परिश्रम से पढ़ाई करो जिससे परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया पर श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। और जिससे पर तब, ये शब्द आपको लिखने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर फोर, वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। प्यास की मारे बुरा हाल है, तो क्या लिखोगे? के मारे। एंड मेरा घर मंदिर के पास है, के पास आ जाएगा। संबंध बोधक क्या है? के पास। इसके बाद देखिए, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, तो के बिना। राम के आगे मैं खड़ा हूं, के आगे। यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया, के द्वारा। ये लिखना आपको, के पास, के बिना, के आगे, के द्वारा। इस प्रकार से देखिए कार्यपत्रक नंबर 25 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड जो आपके आधा सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोस भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप भी वीडियोस देखना चाहते हैं, उन वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको और कौन सी कार्यपत्र का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट कर जरूर बताएँ।